नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं भोजपुरी रिमझिम में। दोस्तों, भोजपुरी इंडस्ट्री में वैसे तो भले ही खेसारी लाल यादव की चर्चा सबसे प्रमुखता के साथ होती है और उनके साथ चर्चा उनके कई सारे राइटरों की होती है, जो राइटर लगातार पीछे पीछे घूमते नजर आते हैं। हालांकि पीछे पीछे घूमना कोई खराब बात नहीं है, लेकिन आए दिन कुछ ऐसे खुलासे हो जाते हैं जिसको लेकर उन पर बोलना कहीं ना कहीं लाजमी हो जाता है और उसको बोलना भी जरूरी हो जाता है। जैसा कि आपको पता होगा कि खेसारी लाल यादव के साथ एक राइटर का नाम जुड़ता है अखिलेश कश्यप का, इसके अलावा एक दूसरा नाम जुड़ता है पवन पांडे का और एक बड़ा आजकल नाम जुट रहा है कृष्णा बेदर्दी का। ऐसे कई सारे चार पांच नाम हैं जो हमेशा खेसारी लाल यादव से जुड़े रहते हैं और खेसारी लाल यादव को भर भर के जो है वो गाने देते नजर आते हैं। हालांकि खेसारी लाल यादव की फैन फॉलोइंग इतनी है कि उनके गानों पर काफी ज्यादा प्यार मिलता है, जिसके चलते उनकी जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं सामने आ जाती है। लेकिन इसके बीच बीच भी खेसारी लाल यादव को कई सारे ऐसे गाने सिंगर राइटर गाने देते हैं, जैसे अजीत मंडल की बात कर लें या फिर अभी जो गाना ले ले आए कोका कोला जो रिलीज हुआ था, प्रकाश बारूद की बात कर लें, समझ रहे हैं, इतना बड़ा गाना एक महीने के अंदर देने वाला व्यक्ति प्रकाश बारूद को आए कोई पूछने को तैयार नहीं है। और इतना बड़ा हिट गाने देने के बाद भी खेसारी लाल यादव के लिए कोई गाना व्यक्ति जो है वो लिखता नजर नहीं आ रहा। अजीत मंडल इतने बड़े बड़े ट्रेंडिंग गाने दिए हैं लेकिन फिर भी उनका अब नाम सामने खेसारी लाल यादव को लेकर नहीं आ रहा है। लेकिन खेसारी लाल यादव को लेकर वही राइटर सामने आ रहे हैं जो हमेशा से उनके साथ नजर आते हैं। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं और ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक राइटर है प्रकाश परदेशी यादव, उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है। उनका एक कॉल रिकॉर्डिंग सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उनका ये कहना है कि हम पवन पांडे के साथ बैठे हुए थे, खेसारी लाल यादव भी वहां पर मौजूद थे, तो पवन पांडे कह रहे थे कि ये तो रितेश पांडे के साथ गाना लिखता है, ये रितेश पांडे का करीबी है, जिसको लेकर खेसारी लाल यादव को बरगलाने की और खेसारी लाल यादव को कहीं ना कहीं मन में भरने की कोशिश की जाती है ताकि वो कलाकार जो हैं वो उनको गाना ना दे पाए और हम ही सब जो हैं वो गाना देते चले, और इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल भी उठते नजर आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि सही में ग्रुपिज्म हो गया है भोजपुरी इंडस्ट्री में या फिर ग्रुपिज्म के तौर पर इस तरीके की चर्चा भोजपुरी इंडस्ट्री में होती रहती है? इस पर आपकी क्या राय है, क्या ऐसा होना चाहिए, खेसारी लाल यादव को इस पर एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा और चैनल को पसंद करते हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िएगा। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जाकर पिंटू सिंह यादव सर्च करके जरूर जुड़िएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाकर आप मुझे फॉलो करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।